दिग्रह शहर के गौरीपुरा में शुक्रवार को साबिर परसुवाले की अगुवाई में करीब 70 युवाओं ने शिवसेना का दामन थामते हुए पक्ष प्रवेश किया। इस मौके पर दिग्रह दारवान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संजय राठौड़ की मौजूदगी में संपन्न हुए समारोह में शिवसेना के स्थानीय नेता, नगर सेवक और पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के गौलीपुरा में विकास कामों के अभाव और विभिन्न स्थानीय बुनियादी समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से गौलीपुरा में स्थानीय निवासी साबिर परसुवाले सहित करीब 70 युवाओं ने शुक्रवार को शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया है। इस दौरान पक्ष प्रवेश कर रहे युवाओं की बैंड बाजे के साथ में रैली निकाली गई, जिसके बाद वन विभाग कार्यालय रोड पर आयोजित पक्ष प्रवेश समारोह में शिवसेना विधायक संजय राठौड़ की मौजूदगी में उपरोक्त पक्ष प्रवेश समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर शिवसेना के स्थानीय नेताओं, नगर सेवकों और पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन मोतीनगर के नगर सेवक सैयद अकरम ने किया। वहीं निर्माण कार्य सभापति नूर मोहम्मद खान, सुधीर देशमुख, मिलिंद मानकर आदि ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान मंच पर नगर पालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे, नगर सेवक केतन रत्न पारकी, राहुल देशपांडे, राजकुमार वानखेड़े, शैलेश लाचुरे, उत्तम ठौकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस दौरान संजय राठौड़ ने शिवसेना में प्रवेश करने वाले साबिर परसुवाले और उनके सभी साथियों का स्वागत करते हुए गौलीपुरा के विकास कामों के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि गौलीपुरे का विकास होना चाहिए और विकास की राजनीति आपने भी करना चाहिए, और कोई क्या बोलता है उससे अपने गांव के विकास के लिए संजय राठौड़ के पीछे रहना ये आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं यही बताऊंगा कि आप आने वाले जो कुछ चुनाव है, मुझे तो मालूम नहीं नगर परिषद कब आने वाली है, पर शाबिर भाई आपको मैं इस जिम्मेदारी देता हूँ, सब लोगों को साथ में लेके यहाँ अपन विकास की राजनीति करेंगे। सब लोगों को सरकार की योजना का फायदा कैसा पहुंच सकता, जिसका अपन भरोसा दिलाएंगे। और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपके साथ जो जो नौजवान है उनका भी स्वागत करता हूं। आपको कभी पछताने की पाली आएगी नहीं कि हमने क्या किया। भाई जो जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको सबको। इस दौरान साबिर परसुवाले ने बीसीएन न्यूज चैनल को बताया कि चांद नगर, गौलीपुरा इन इलाकों में विकास काम ठप पड़े हैं। ऐसे में परिसर के विकास कार्यों को गति दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है। अभी जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे और शिवसेना में प्रवेश हुआ मेरा 70 लोगों के साथ में, उसका एक ही कारण है कि हमारा जो महिला है गौलीपुरा जो चांद नगर का एरिया, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है और नाम को यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुए। तो मेरे को लगा, अभी चार दिन पहले मैं रेस्ट हाउस में जाकर संजीव राठौड़ को मिला और कुछ बातें बताई, तो और उनकी बातें सुनने के बाद मैंने उनको ये बोला कि भाई मैं शिवसेना में प्रवेश करता, लेकिन मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं उनका एक ही बोलना है कि हमारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए और हमारे महल्ले में विकास होना चाहिए। उसके हिसाब से ही मैंने शिवसेना में जाने का प्रवेश करने का निर्णय लिया। और मेरे साथ में 70 लोगों का यही बोलना है, हमारे कोई काम नहीं रुकना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो गौलीपुरा सहित नदी के इस पार आने वाले अन्य इलाकों में ये अब तक का पहला और सबसे बड़ा पक्ष प्रवेश समारोह साबित हुआ, जिसमें साबिर परसुवाले सहित एडवोकेट जुबैर गारवे, राजिक पप्पू वाले, शहीद परसुवाले, अनिस नागपुरे, अजीम घोचे वाले आदि कुल 70 लोगों ने शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया है। दिग्रस से बीसीएन न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।